किसी ने क्या खूब लिखा है, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो सिर्फ एक पन्ना था, अभी तो पूरा किताब बाकी है। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपके प्लांट्स भी हेल्दी होंगे। इतने दिनों की तपती गर्मी के बाद फाइनली आज फिर से बारिश हो ही गई। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई थी और पौधे फिर से जलने लग गए थे तपती धूप में। सुबह पानी डालो, दिन में पता ही नहीं चल रहा है पानी डाला है या नहीं डाला है, और बारिश होते ही ना एकदम जान आ जाती है पौधों में। और ये देखिए खूबसूरत से, और ये जूही अभी तक खिलने में लगा है। जैसे ही इसके फ्लावर्स पेंट होते हैं, मैं सूखे हुए जो फूल होते हैं उन्हें हटा देती हूँ और ये फिर से नए नए फूल देता रहता है। और अभी इस मौसम में ना आप गोमफेरना भी उगा सकते हैं। ये ऐसा फूल है, ये पूरे साल चलता है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कभी भी आप इसे उगाइए और लगाइए। बहुत ही सुंदर फूल है, 20 से 25 दिन या इससे ज़्यादा ये ऐसे ही खिला रहता है, और यही इसके बीज भी होते हैं जब सूख जाता है फूल। बहुत सुंदर लगता है, अपने गार्डन में आप इसे ऐड करिए। और यहाँ पे जो मैंने जेट की टोपियारी बनाई हुई थी वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। जब भी आप जेट की टोपियारी बनाते हैं ना, उसको ध्यान रखिए मिट्टी कैसी आपने डाली है। अगर आपकी मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो जेट प्लांट में बहुत जल्दी वो गल सकता है, सड़ सकता है, जिससे फिर आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। और बारिश आते ही ना, जैसे हम प्लांट्स लवर बिल्कुल बारिश में भी अपने पौधों को देखने आ जाते हैं, वैसे ही ये रेन लिली है। जैसे ही बारिश आई नहीं कि ये खिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रेन लिली को ना हाई ह्यूमिडिटी वाला टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें बहुत टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, तो इसी में रेन लिली काफ़ी अच्छी खिलती है और बरसात के पानी से ही, इसीलिए रेन लिली भी इसका नाम है। और यहाँ पर जितना चिड़ियों को दाना पानी सब दिया था, सब कुछ बह गया है। आज बहुत ज़्यादा मैंने डाल दिया था, और गौरैया वगैरह भी आ रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा उनके लिए पका हुआ चावल भी रख दिया था, तो वो भी सारा पानी में बह गया। और ये देखिए इतने सुंदर चंपा के फूल अभी भी मेरे खिल रहे हैं। इसमें तो मेरी इस बार लेट फ्लावरिंग हुई है और हर एक ब्रांच में इसकी फूल आया हुआ है और सारे फूल खिल गए और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे। कुछ कुछ फूल ना तेज़ धूप से जल भी गए हैं, ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है तो फूल भी जलने लगते हैं। बहुत ही सुंदर फूल है चंपा का, बरसात में आप कटिंग से इसे ज़रूर लगाइए। और आज मेरे यहाँ पे कनेर के फूल भी खिल रहे हैं। ये वाला कनेर का जो फूल है ये थोड़ी दूसरी वैरायटी का है, इसमें थोड़ा ऐसे इसका फूल ना ऐसे रोज़ जैसा लगता है और इसमें बहुत बंचेस में फ्लावर आते हैं। वैसे तो कनेर में बहुत ही अलग अलग वैरायटी आती है, उसके फूलों का रंग उसी में ही वेरिएशन देखने को आपको मिल जाएगा। और ये देखिए बहुत ही सुंदर फूल है, बहुत दिनों तक खिला रहता है गार्डन में, इसलिए अच्छा भी लगता है और इसमें थोड़ी हल्की हल्की खुशबू भी आती है। तो अभी बरसात में कटिंग से भी आप इसे लगा सकते हैं और साथ ही साथ आप इसे बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। बीज से तो और भी जल्दी ये ग्रो हो जाता है। और ये देखिए सुंदर सा इसमें फूल भी खिला हुआ है। फूल खिलते ही बस मेरा मन करता है कि इन्हें देखने के लिए आ ही जाऊं छत पे, इन्हें देखने बिना तो रहा ही नहीं जाता। और यहाँ पर ये पूरा कनेर वाला ही है। अभी तो बारिश थोड़ा कम हो गई है, लेकिन बहुत तेज़ हो रही थी बारिश। और अगर आप अभी सब्जी वगैरह उगाना चाहते हैं तो आप भिंडी, शिमला मिर्च, बैंगन वगैरह भी आराम से उगा सकते हैं। ये इजीली अभी उग जाते हैं मॉनसून के टाइम पे, सितंबर से अक्टूबर तक। तो ये भिंडी मैंने लगाई हुई है, भिंडी इसमें आने ही वाली है। और ये जो मेरा जेट प्लांट है, ये मैं कई दिनों से देख रही थी, एकदम ये मुरझाया हुआ है। तो ये देखिए जैसे मैंने इसे हाथ लगाया ये निकल गया, क्योंकि ये पहले से ही ना इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। अगर जेट प्लांट की मिट्टी अच्छी ना बनी हो, वो अच्छी वेल ड्रेन सॉइल में ना लगा हो, उसमें अगर ओवर वाटरिंग हो जाए, तो इस तरह से जेट प्लांट हमारा कई सालों साल की मेहनत हमारी बर्बाद हो सकती है। इसीलिए जेट प्लांट के लिए जब भी आप मिट्टी तैयार करते हैं उसमें सैंड ज़रूर मिलाइए, साथ में आप परलाइट वगैरह भी मिला सकते हैं, जिससे अच्छी मिट्टी तैयार हो जाए। अब मैं इसे दोबारा लगा लूँगी, वैसे पौधा तो अभी ज़िंदा ही है, लेकिन इस तरह से पौधा सड़ जाता है और अगर बारिश वारिश में ही रख दें लगातार, तो उससे भी हमारा जेट प्लांट ख़राब हो जाता है। और मुझे आसपास के लोग बोल रहे हैं इतनी तेज़ बारिश में भी आप वीडियो बना रहे हो, क्या करें हम प्लांट्स लवर की दिक्कत ही है ये, बारिश में भी पौधों का अलग ही नज़ारा दिखता है हमें। हमें ऐसा लगता है बारिश में पौधे और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और इनके साथ साथ फिर और भी बारिश इंजॉय भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये बोगनविलिया, इसमें बहुत सारी चीज़ें उगी हैं इसलिए अच्छे से खिल नहीं पा रहा है।
वैसे अब सर्दियों के प्लांट लगाने का भी टाइम आ गया है, अक्टूबर तक मैं सर्दियों के प्लांट वगैरह लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। और ये मेरे को बहुत ही सुंदर लगता है, ये मेरा फेवरेट है गुड़हल में आप बोल सकते हैं। फूल आते हैं इसमें लेकिन बहुत कम फूल आते हैं, रेड कलर के ही फूल आते हैं इसमें, इसकी पत्तियाँ सुंदर हैं बस। और अपराजिता तो मेरे हर ही जगह पे उग गई है, हर एक जगह पे मुझे अपराजिता का पेड़ दिख रहा है, क्योंकि बीज वगैरह से मैंने इधर से उधर डाल दिए थे तो उसी से बहुत सारी अपराजिता हो गई हैं। और ये मॉस रोज पोर्टुला का भी खिला हुआ है अभी, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। और ये है मेरा फेवरेट क्रोटन प्लांट, क्रोटन की जितनी वैरायटी आती है उसमें ये वाला मेरा फेवरेट है। इसका नाम है मैमी क्रोटन। क्रोटन प्लांट में ना मिलीबग का तो फेवरेट प्लांट होता है, इसमें इतनी ज़्यादा मिलीबग्स लग जाते हैं। तो आप इस प्लांट को डेली नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, साथ ही साबुन का या सोप शैम्पू का किसी का भी स्प्रे कर सकते हैं, और इसे प्रॉपर सनलाइट में रख दीजिए उसके बाद। और ये है मेरा क्यूट सा इकलौता अडेनियम, ये मैंने ऑनलाइन बाई किया है, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। अब इसमें फूल खिलने वाले हैं। इसकी मिट्टी भी आपको बहुत ध्यान से तैयार करनी है, अगर अच्छी मिट्टी नहीं बनी है तो आप इसे बारिश में मत रखिए बिल्कुल। और यहाँ पे कनेर भी वाइट वाला खिला है, बहुत ही सुंदर लगता है, वाइट कनेर भी एकदम अलग लगता है। और हर एक गुच्छे में इसके बार बार हर अलग अलग महीने में इसमें फूल खिलते रहते हैं, पहले एक ब्रांच पे फूल खिल रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरी ब्रांच पे खिल रहे हैं, ये देखिए। और कनेर में ना आप दोबारा भी फूल ले सकते हैं, इसके पौधे को प्रून करके, ऊपर से टिप से प्रून करके दोबारा फूल ले लीजिए इसमें। और अगर आपको एक मेरा ये वाला भी फेवरेट प्लांट है, बारिश में और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इसका नाम क्लेंचो है, सक्यूलेंट वैरायटी का। और ये है लेमन ग्रास, अपने गार्डन में आप ज़रूर लगाइए, काफ़ी सूख गया था धूप से, अब काफ़ी ये ठीक हो गया है। और सबसे अच्छा मुझे ये वाला लगता है, जब से मैंने इसे मॉस स्टिक बनाई हुई है घर पे ही, तब से ये काफ़ी अच्छा चल रहा है और अच्छी इसकी ग्रोथ निकल रही है। और ये वाला पॉट भी मेरा काफ़ी सुंदर लगता है, पॉट में इस तरह से कुछ ना कुछ इमोजी बना दीजिए, जो सिंपल इमोजी जो दिखने में काफ़ी अच्छी लगे, एकदम ऐसी नहीं बिल्कुल आपने भगदड़ उसमें मचा रखी है, थोड़ा बहुत ही ऐसी आँख नाक बनाने के बाद गमला ऐसा लगता है बिल्कुल जिंदा हो जैसे। और इस तरह से ये बारिश की बूंदें जब प्लांट के ऊपर गिरती हैं, फिर उसके बाद तो मेरे को और भी ये सुंदर लगते हैं पौधे। और यहाँ पे मैंने कटिंग लगाई हुई थी वॉन्डरिंग ज्यू की, ये काफ़ी अच्छी लग गई है कटिंग, और ये पूरे ग्रिल से बाहर जा रही है। तो इस तरह से ये हैंगिंग प्लांटर में लगने वाला एक सुंदर पौधा है, वैसे इसे हैंगिंग बास्केट में भी आप लगा सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगता है। और ये मेरा एरोकेरिया का प्लांट जो बार बार हवा से गिरते रहता है, इसीलिए आज मैंने इसे तार से बांध दिया है यहाँ पे दीवार के सहारे, अब इसे कोई भी हिला नहीं सकता। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, जैसे ही हवा आती है ये बिल्कुल गिर जाता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया, इसीलिए अब मैंने तार से इसे ग्रिल के सहारे बांध दिया है। और यहाँ पे खिले हैं मेरे सुंदर, मेरे बालकनी की शान, मेरे खूबसूरत से बोगनवेलिया के फूल जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इन्हें ना बहुत लोग इनकी तारीफ़ भी करते हैं, जब भी यहाँ आसपास कोई भी लोग आते हैं तो ये एक तो इतने सुंदर लगते हैं, और जितनी तेज़ धूप होती है उतनी तेज़ धूप में ये खिलते हैं, इन्हें ज़्यादा धूप पसंद होती है। और मैंने इन्हें गमले में ही लगाया हुआ है बालकनी से, तो बहुत से लोगों को ये भी शिकायत होती है कि आपने इन्हें ज़मीन पर लगाया है या गमले में लगाया है, तो ये गमले में ही लगे हैं और ये इस तरह से बड़े हो गए हैं काफ़ी। और बारिश में सारे पौधे नहा रहे हैं, काफ़ी खुश लग रहे हैं, पौधों को देख के मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि एकदम पौधे फिर से जल गए थे, बहुत तेज़ धूप होने लग गई थी बीच में, तो बहुत ही ज़्यादा पौधों के लिए तो बहुत ही आफत आ गई थी, मुझे तो दो दो बार पानी डालना पड़ा था क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी। और यहाँ पे जो मैंने कटिंग लगाई हुई थी ये डॉलर प्लांट की, और साथ में एग्लोनीमा, ये भी काफ़ी अच्छी चल गई है। एग्लोनीमा की जो मिट्टी है ना वो थोड़ा उतनी अच्छी नहीं बन पाई है जितनी अच्छी मैं चाहती थी, तो मैं इसे शायद दोबारा रिपोर्ट करूँगी, इसीलिए इसकी ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं हो रही है। अगर आप मिट्टी, जैसे पौधे को जिस टाइप की मिट्टी पसंद होती है वैसी नहीं देते ना, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हर प्लांट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है मिट्टी की, खाद की। और ये वाला जेड प्लांट की टोपियारी भी काफ़ी अच्छी चल रही है, जो बाल्टी के हैंडल से मैंने बनाई है। अगर आप टोपियारी बनाना चाहते हैं, तार नहीं मिल रहा है, इस तरह से बाल्टी का हैंडल लीजिए और बना लीजिए, कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये है मेरे गार्डन का खूबसूरत नज़ारा, मैं बस सर्दी का वेट कर रही हूँ, क्योंकि सर्दी में यहाँ पे जितने भी आपको भी प्लांट दिख रहे हैं इन सब में, और सर्दी का ये मेरा फेवरेट प्लांट
मुर्गा प्लांट जिसे मैंने बीच से उगा दिया है, और इसे अब जैसे जैसे थोड़ा मौसम ठंडा होगा, अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुश्किल से ही बारिश हो पा रही है अक्टूबर के टाइम पे, फिर मैं इसे अलग अलग पौधों में सेपरेट करके रिपोर्ट कर लूँगी। उसके बाद फिर ये दिसंबर जनवरी तक आराम से खिलता रहता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और यहाँ पर ना आज बहुत ही एक सुंदर फूल खिला है, ये इस पर मेरा ध्यान अभी गया, ये देखिए ये है गुड़हल का फूल। गुड़हल के फूल भी खिले हुए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, और अगर अलग कलर में हो फिर तो ये और भी सुंदर लगते। एक दिन तक ही खिलता है, पूजा वगैरह में काम आ जाते हैं। और इस तरह से आप इसे अभी बरसात के टाइम पे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, वैसे तो किसी भी मौसम में लग जाती है इसकी कटिंग, काफ़ी हार्डी प्लांट है। और ये मेरा दही से बनाया हुआ डॉल प्लांटर, ये बहुत सारे लोगों को काफ़ी पसंद आया हुआ था। और ये देखिए ये हवा भी चल रही है अभी, इसका कलर ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। अगर आपके पास गुड़हल के, ज़्यादातर लोगों के पास रेड वैरायटी होती तो इस तरह की भी आप लगा सकते हैं, देसी वैरायटी है ये। और ये है यूफोर्बिया मिली, ये पूरे गर्मी इसमें फूल आने में है, पूरे सर्दी फूल देता है, पूरे गर्मी फूल देता है, बस थोड़ा कांटे होते हैं लेकिन होता बहुत सुंदर है। दाना पानी चिड़ियों को सारा भीग गया है, इसे मुझे सुखाना पड़ेगा फिर से। और ये भी एक मेरा सुंदर बोगनवेलिया है, इसमें मैं अब सोच रही हूँ ग्राफ्टिंग करने की, मैं आपको बताऊँगी कैसे आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। और ये मेरा गोमफेरना का सुंदर सा फूल, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं आपको कभी बताऊँगी। और यहाँ पे ये जो गोमफेरना के बीज है ना, इनसे आप अभी भी इसे ग्रो कर लीजिए। और ये मेरे गार्डन किसान पोर्टोला का, आजकल तो सभी के गार्डन में ये खिले रहते हैं, अब बस अक्टूबर तक खिलते हैं ये, उसके बाद बंद हो जाते हैं। और ये यहाँ पे मैंने कंपोस्टिंग के लिए सारा गार्डन के जितनी भी सूखी पत्तियाँ वगैरह होती हैं ये ग्रो बैग में रखी हुई थी, और देखिए इसी में ही अपराजिता उग गई है, और ये अपराजिता उगने के बाद दरवाजे से अंदर भी चली गई है, इतना बड़ा ये हो गया है। तो ये है बारिश में मेरे गार्डन का हालचाल, जिसे देखे बिना रहा नहीं जा रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी दिखा दूं। और देखिए खूबसूरत सा, और एक पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे अच्छा सा, ये है स्वीट पोटैटो वाइन का। और यहाँ पे इस तरह के जो क्लाइंबर्स वैरायटी के प्लांट होते हैं ना, उन्हें आप किसी धागे लकड़ी के सहारे उनको सहारा दे दीजिए, उससे वो और भी जल्दी ग्रोथ करते हैं। ये मुझे एक भाभी ने दी हुई थी, इसकी छोटी सी कटिंग, इसके इस पौधे की खास बात ये है ना, इसकी आधे इंच की कटिंग भी लग जाती है, इतना अच्छा ये प्लांट है। आप इसे जो शकरकंदी होती है जो आती है खाने वाली, उससे भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं डायरेक्ट ही। और ये आंवले का पौधा बारिश में भीगने के बाद और भी ज़्यादा सुंदर लगता है, एकदम हरा भरा हो गया है। और यहाँ पर जो मेरा ये गुलदाउदी का पौधा है, ये इसी पौधे में बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे कि इसमें बेलपत्री भी लगा हुआ है, और इसमें तुलसी भी लग गई है, और ये इतना बड़ा गुलदाउदी का पौधा भी हो गया है, और ये मेरा बेलपत्री का प्लांट भी इसी में लगा हुआ है। तो इस वजह से इसकी अब कुछ कुछ पत्तियां सूख रही हैं, तो मुझे इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसमें ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर फूल आते हैं, वैसे ये प्लांट अभी मुझे कच्चा ही लग रहा है, तो शायद कटिंग लग जाएगी। वैसे आप गुलदाउदी की कटिंग भी अभी लगा सकते हैं, अच्छा मौसम है, अभी गुलदाउदी की कटिंग लगाइए, उसके बाद पूरे सर्दी आराम से फूल लीजिए। तो ये है मेरे खूबसूरत गार्डन के कुछ नज़ारे। अगर अच्छी खासी बारिश हो जाती है ना, तो कुछ दिन पौधों में पानी भी नहीं डालना पड़ता है, और काफ़ी ठीक ठाक बारिश हो गई है, मुझे अब पानी कल नहीं डालना पड़ेगा पौधों को, क्योंकि अच्छा खासा पूरी मिट्टी इनकी भीग चुकी है। और पोर्टोला का यहाँ पर खिलने में ही है, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सुबह का ही टाइम है। फिर मिलूंगे किसी और वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। बाय।